बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। पीएम मोदी से मिलने के बाद नीतीश कुमार ने कहा कि कृषि कानून पर बातचीत हो रही है, आज नहीं तो कल उसका समाधान निकल जाएगा। नए कृषि कानून किसानों के हित के लिए है, वो किसानों के खिलाफ नहीं है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हाल ही में पेश किए गए आम बजट को लेकर भी अपनी प्रतिक्रिया दी थी। उन्होंने कहा था कि इस बार बजट बहुत अच्छा है, कोरोना संकट के बावजूद भी केंद्र सरकार अच्छा बजट लेकर आई है, हम लोग भी लाने वाले हैं। बता दें कि नई सरकार के गठन के बाद फिर लंबे समय के इंतजार के बाद मंत्रिमंडल का विस्तार कर सीएम नीतीश कल ही दिल्ली के लिए रवाना हुए थे। दोपहर की फ्लाइट से दिल्ली पहुंचे सीएम नीतीश ने कल गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की थी। आज वो पीएम मोदी से मिलने वहां गए। दिल्ली पहुंचने के बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि बिहार चुनाव के बाद मुझे आकर मिलना ही था, उसी वजह से मैं आया हूं। बीच में कोरोना का दौर था, आना जाना बंद था, उसके पहले ही मैं यहां आया था, अब तो आने जाने की शुरुआत हो गई है। बिहार के मंत्रिमंडल विस्तार पर कहा कि वो तो होना ही था और हो गया, सबने शपथ ले ली, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब तो 19 फरवरी से हमारा बजट सत्र शुरू होगा।